एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं इस वक्त आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की क्या एनर्जी है, डीएम की क्या एनर्जी है। तो इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, जो भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और इस डेक से हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, अभी इस वक्त वो आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स करंट एनर्जी किस एनर्जी में है आपके डीएम? कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं बट सेटिस्फाइड नहीं है। इनके लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ, लेकिन ये फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, कंप्लीट फील नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनके लाइफ में नहीं हैं। जब तक आप इनके लाइफ में नहीं रहेंगे या अकेला ही फील करेंगे, आपके बिना ये अधूरापन ही फील करेंगी या करेंगे। आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के डीएम आइसोलेटेड हैं, अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, किसी न किसी तरह का डार्क नाइट ऑफ द सोल। इनके लाइफ में एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसे प्रेशर हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। इन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि आप ही हो इनके लाइफ में जो जिनके पास इन्हें छांव मिल सकती है। ये सबको छांव देती होंगी या देते होंगे, ये हमेशा प्रोवाइडर का काम करते होंगे लोगों के लिए, समाज के लिए डेडिकेटेड होंगे, लेकिन इनको कभी कहीं रिलैक्स नहीं मिलता, इनको कभी कोई सुकून नहीं मिलता। लेकिन जब आपके पास ये आती हैं या आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तो इन्हें वो सुकून मिलता है, वो रिलैक्स मिलता है, रिलैक्सेशन। जैसे कि इन्हें ऐसा फील होता है कि आपके जैसा अनकंडीशनल लव इन्हें कहीं और नहीं मिलता है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या आपके डीएम आपको मिस कर रहे हैं? क्या डीएफ को मिस कर रहे हैं? यस, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। और यहाँ से देखिए ये कार्ड टेढ़ा हुआ है, ये है टू ऑफ कप्स का। तो आप में से बहुत सारे लोगों के डीएम आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। डे ड्रीमिंग की एनर्जी है आपके बारे में, 24/7 सोचते हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के डीएम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपसे। इन्हें ऐसा फील होता है कि आपके साथ अनब्रेकेबल बॉन्ड है, इनसेपरेबल रिलेशनशिप है। कितना भी दूर चले जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि ये आपसे दूर हुए हैं। अगर ये 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद भी आपके लाइफ में आएंगे तो इन्हें ऐसा लगेगा कि अरे कल ही तो बात हुई थी। इन्हें बिल्कुल भी आपसे ऐसा फील नहीं होता कि आप अलग हैं इनसे या आप दूर हैं इनसे। हो सकता है आपको भी ऐसा ही फील होता हो। क्या इस रिलेशनशिप में यूनियन चाहते हैं आपके डीएम? क्या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं? यस, मैंने पूछा क्या यूनियन चाहते हैं, क्या कमिटमेंट देना चाहते हैं। और देखिए कार्ड्स यहाँ से आ रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ से है 10 ऑफ कप्स। कर्मा साइकिल ख़त्म होने दीजिए, लक आपका साथ देगा। आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 10-10। खुद को प्रिपेयर करेंगे ताकि आपको कमिटमेंट दे सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने कहा क्या यूनियन चाहते हैं, एंड द कार्ड कम्स द लवर। तो आपकी रीडिंग में 2 ऑफ कप्स भी आ चुका है और द लवर्स की भी एनर्जी है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। बहुत सारे लोगों के डीएम अवेकन हो चुके हैं, हो रहे हैं, प्रोसेस में हैं, और इनकी जितनी भी कार्मिक साइकिल्स हैं वो जल्द से जल्द रिलीज़ हो रही हैं। तो ये आपके डीएम की एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। देखते हैं आपकी तरफ क्या मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं आपके डीएम, और इसके बाद हम देखेंगे कि कब तक रिटर्न आ जाएंगे अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं तो। जिनके भी डीएम से कॉन्टैक्ट सिचुएशन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी इस वक्त आपके डीएम आपको? पहला मैसेज है कि इन्हें प्यार पर पहले बिलीव नहीं था, बट अब आपके आने के बाद से इन्हें ट्रू लव नाम की कोई चीज़ होती है धरती पर, इस चीज़ पर बिलीव हो गया है। जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज़ होंगे। आपके पर्सन आपके लिए प्रेयर्स करते हैं, आपको अपनी दुआओं में, आपको अपने विशेज में मांगते हैं, विजुअलाइज करते हैं और वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर, हैप्पी न्यूज़ एंड डेवलपमेंट्स कमिंग। आप में से कई लोगों के डीएम आपके लाइफ में किसी गुड न्यूज़ के साथ रिटर्न आने वाले हैं, ये भी चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। नेक्स्ट मैसेज है अवेकनिंग।
ग्रोइंग क्लोजर, गेनिंग अवेयरनेस. आप दोनों जितने अवेकन होते जाएंगे उतने क्लोजर आते जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उतनी ही ज़्यादा आपके एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू एंड डिफ़िकल्ट टाइम जो था वो ख़त्म होता जाएगा. तो आपके लाइफ में अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आप समझ लें कि आप बहुत करीब आ चुके हैं. और अगर आपके लाइफ में अभी ब्रेक थ्रू चल रहा है, अभी आप एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस से दूर हैं, या अभी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, आप अपनी मैस्कुलिन और फैमिलिन एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाए हैं, तो समझ लें अभी आपको थोड़ा समय लगेगा. देखते हैं आपके डीएम कब तक आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, मैसेजेस कॉल्स कब तक आ जाएंगे आपको. प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डिवाइन फेमिनिन्स को, डिवाइन मैस्कुलिन्स की तरफ से कॉल मैसेजेस कब तक रिसीव हो जाएंगे, कितना समय लग सकता है. फ़िलहाल अभी आने वाले 5 दिन या 5 हफ्ते के अंदर आप में से कई लोगों के डीएम का थर्ड पार्टी के साथ किसी तरह का बहस हो सकता है, उसके बाद आपकी तरफ मैसेजेस आएंगे. ओके, बॉटम से मैसेज का कार्ड था, तो यहाँ पर 5 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है. कुछ लोगों को इस रीडिंग को देखने के बाद 5 दिन के अंदर, 5 घंटे के अंदर मैसेजेस आ सकते हैं, कुछ लोगों को 8 दिन के अंदर या 8 घंटे के अंदर, बट रीच आउट करेंगे आपके पर्सन. तो यहाँ पर ये वाइब्रेशन है गाइस. होप आपको आज की रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी. रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू सो मच, बाय बाय.